नमस्कार दोस्तों, एक बार पीछे स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोनाडो रिपोर्ट MMA राहुल सिंघानिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स की जो है आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के बात करने वाले फ्रेंड्स, और आपको बताने वाले हैं कि जो है सुपरवाइजर की पदों पे एक बम्पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि जो है बहुत सारे ऐसे भी जो है मतलब कि सहायिका और सेविकाएँ हैं जो कि आंगनवाड़ी में पहले से कार्यरत हैं, तो उनके लिए जो है एक सुनहरा मौका दिया गया है। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि जो है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती में अगर आपका भी इच्छा है कि हम जो है सुपरवाइज़र की पदों पर जॉब करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको जो है क्या क्या फॉलो करने होंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, और किस प्रकार से आप इस वैकेंसी का लाभ ले पाएंगे, हम कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाले फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की पदों पे जो भर्ती होने वाली है फ्रेंड्स, इसमें जो है मतलब कि ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। आप किस प्रोसेस से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 10वीं पास मतलब अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको जो है अप्लीकेशन करना है फ्रेंड्स, और इसमें जो है बताया गया है कि जो है पहले से जो मतलब कि आंगनबाड़ी में जो महिलाएं की जो है सेविका के पदों पे जॉब कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको जो है मौका दिया गया है सुपरवाइजर पद के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी जो है इन जिले से मतलब आते हैं, अगर आप जो है जो डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकाली गई है फ्रेंड्स, अगर इस डिस्ट्रिक्ट से आप भी बिलोंग करते हैं तो आपको भी जो है मौका ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर पाइएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि इनके बारे में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया गया है, और हम सबसे पहले कुछ इनकी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, उनके बाद हम जो है डीपली में बात करेंगे फ्रेंड्स की जो है भर्ती की प्रॉपर जो है मतलब कि कौन कौन जो है मतलब अभ्यर्थी जो है इस वैकेंसी का लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुपरवाइजर की पदों पर जो है वैकेंसी होने वाली है, जो कि विभाग के नाम अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो है महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से जो है वैकेंसी होने वाली है। जिला कार्यालय प्रोग्राम कार्यालय लखीसराय की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया फ्रेंड्स, और आप इस फॉर्म को अप्लाई जो करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है 5 सितंबर 2024 से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और लास्ट डेट आप कब तक अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, कि लास्ट डेट आप जो है 26 सितंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, मतलब आपके पास जो है 21 दिन का समय दिया गया है फ्रेंड्स आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है भर्ती जो है लखीसराय ज़िले में निकाली गई फ्रेंड्स, और आपको जो है बताना चाहूँगा कि लखीसराय से अगर आप जो है अंतर्गत अगर लखीसराय ज़िले के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ क्राइटेरिया के बारे में फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है दिया हुआ है कि आवेदक का न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए या समक्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो है आवेदक का चयन वर्ष 1 जनवरी 2 को मतलब कि 1 जनवरी तक में जो है मिनिमम जो है 10 साल से अगर आप जो है आंगनबाड़ी में सेविका के पदों पर अगर कार्यरत हैं तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको जो है सुपरवाइजर बनने का जो है मौका दिया गया है, मतलब कि 10 साल से अगर आप आंगनबाड़ी में सेविका के पदों पर अगर जॉब कर रहे हैं तो हो गया है फ्रेंड्स, तो आप जो है इनके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आवेदक संबंधित जिला क्षेत्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, मतलब कि लखीसराय जिला के अंतर्गत आप जो है वहाँ का स्थायी निवासी होनी चाहिए, और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है आपके पास जो है आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी जो है आपको जो है वैलिड किया जाएगा फ्रेंड्स। अब आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो है आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उनके माध्यम से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इनके लिए आपको जो है 1 रुपये अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री, मतलब कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि जो है फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट आप जो है 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जो है बताना चाहूँगा कि चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन की जो है मतलब आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है एक प्रिंट आउट अपने पास में सुरक्षित रख लेना है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहूँगा कि जो है 21 दिन के अंदर जो है निबंधन डाक के द्वारा जो है जिला लखीसराय के पते पर आपको जो है उस फॉर्म को जो है भेजना है। प्रमाण पत्र को जो है आपको निर्धारित तिथि से पहले जो है आपको जो है मतलब ऑफलाइन माध्यम डाक के माध्यम से जो है आपको भेजना है। इसमें जैसे कि आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका जाति आवासीय हो गया, और जो है अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, जन्मतिथि हो गया, संबंधित शैक्षणिक योग्यता, और उसके बाद जो है राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा दूता चरित्र प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का जो है मतलब जो भी जो है आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है संलग्न कर करके जो है 21 दिन के अंदर मतलब कि आपको जो है निर्धारित तिथि से पहले जो है
डाक के माध्यम से भी आपको जो है भेजना है, जो कि पते हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे फ्रेंड्स। और आपको हम बता देते हैं कि जो है जिला पदाधिकारी लखीसराय के जो है पते पे आपको भेजना है हार्ड कॉपी को। और जो है आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो है इनसे जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए फ्रेंड्स। आप जाकर के वहाँ से लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं और अपने जो है मतलब कि नोटिफिकेशन को चेक भी कर पाएंगे फ्रेंड्स, और ऑनलाइन माध्यम से मतलब आवेदन भी कर पाएंगे। काफ़ी एक शानदार और यूनिक मौका फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बिहार रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकाली जाती है फ्रेंड्स, उनकी सटीक अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।